अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए है। 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स का 27 मई 2022 को केमिस्ट्री का पेपर है, तो उनके लिए ये आदम जी कोचिंग सेंटर का गेस्ट पेपर जो है मैंने आप लोगों के लिए ये जो है वो बनाया है। इसको आप लोग पीडीएफ में हासिल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है। इसकी खासियत ये है कि एक तो इसमें से पेपर लगने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, दूसरा इसमें आपको तकरीबन जो है वो 80 के करीब जो है वो MCQs भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो 80 MCQs जिसमें आपको अवेलेबल होंगी, तो इसमें से आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे, तो ये आपके लिए एक अच्छे तरीके से बेनिफिट हो जाएगा कि आप इस पेपर के ज़रिए अच्छे तरीके से तैयारी करें। तमाम MCQs के आंसर जो है वो आप लोग सर्च ज़रूर करें ताकि आप लोग को पता चल सके। और इसको यूँ भी कर सकते हैं कि जो आपने MCQs याद किए हुए हैं वो इसमें से देखते जाएं कि वो इसमें हैं या नहीं, ठीक है, और करेक्ट करते जाएं ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है ये पेपर जो है वो आपकी बुक से ही बनाया गया है, तो सारे सवाल इसी बुक में इसमें उस से ही शामिल होंगे। तो एक दफ़ा हम लोग इनको देखते हैं। ये पहला पेपर, ये MCQs हैं, ठीक है, इनको देखें आप। ये मज़ीद इसके MCQs हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप MCQs देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ही आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स गिवन है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 13 हैं, आपने इनको पूरा कंप्लीट याद करने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है कि इनमें से आपको पेपर में लगेंगे, तो इस वजह से आपने इनको कंप्लीट जो है ना वो याद करना है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से छोड़िएगा मत। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इसमें ये जो और करके दिए हुए हैं आपने इनको छोड़ना नहीं है, आपने इनको कंप्लीट याद करना है। ठीक है, आपने इनको कंप्लीट याद करना है, ये जहन में रखें। इसमें आप देख सकते हैं कि हेबर बोस प्रोसेस, नेल्सन सेल मेथड, क्लार्क्स मेथड, ओसवर्ल्ड प्रोसेस और अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस, ये सारे सवाल इम्पोर्टेंट हैं, तो इनकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।